आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते का पकौड़े, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसे शाम के चाय या सुबह के नाश्ते में आप इसे बना के खा सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वेज रेसिपी विद चंदा में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 अरबी के पत्ते लिए हैं, इसे अच्छे से धो लिए हैं और इसका डंठल भी हम काट लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो इस तरह का जो डंठल है ना, हम इसे भी काट के निकाल लेंगे। ये थोड़ा कड़ा होता है। इसी तरह से हम सब पत्ते को ऊपर का डंठल जो है काट के निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा बेलन से दबा दबा के चला लेंगे, ताकि पत्ता जो है एकदम सीधा हो जाए। तो इस पर बेसन लगाने में बहुत ही आसानी रहता है। तो इस तरीके से हम सभी बेलन चला लेंगे। तो अब एक छोटा सा बाउल लेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो 3 से 4 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे और साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और साथ में हम इसमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। अब यहाँ पे हम 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप इसके जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं हम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। हमें इसके बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा ही रखना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अच्छे से इसको फेंट लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने रहे। तो देखिए, बेसन को हमें इस तरीके से फेंट के तैयार कर लेना है। तो अब हम एक पत्ता लेंगे और उसके ऊपर हर तरफ से हम बेसन का पेस्ट जो हमने बनाया था इसको लगा लेंगे। तो सबसे जो बड़ा पत्ता है उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। तो अब हम इसके ऊपर दूसरे पत्ते को भी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम सेम तरीके से बेसन लगा लेंगे। इसी तरीके से हम 5 पत्ते को एक साथ में इसको बना लेंगे। आप चाहें थोड़ा कम भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी पत्ते के ऊपर एक के ऊपर एक रख रख के हम बेसन को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम सभी पत्ते के ऊपर बेसन लगा लिए हैं। अब हम साइड से भी इसको मोड़ करके इसके ऊपर भी बेसन लगाएंगे
और इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हल्का सा मोड़ लेंगे। फिर पीछे वाले साइड से भी हल्का सा हम मोड़ लेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ से हल्का हल्का मोड़ मोड़ के बेसन लगा लेंगे। अब इसको हम गोल गोल में लपेट लेंगे। इसके बगल का भी हम हल्का से बेसन लगा के इसे भी चिपका लेंगे ताकि इसका कोई भी पार्ट खुला ना रहे, नहीं तो ये हम तलेंगे तो ये फिर खुल जाएगा। तो हमारा एक पत्ता जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे या फिर आपके पास जो भी बड़ा वाला बर्तन हो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और पानी को उबलने देंगे। और एक प्लेट या थाली लेंगे जाली वाला। अब इसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। अब इसको कढ़ाई पर, यहाँ पे मेरे कढ़ाई पर ये थाली एकदम परफेक्ट बैठ रहा है इसलिए इसके अंदर हम ना कोई स्टैंड या कुछ नहीं डाले हैं। अगर आपका प्लेट छोटा है तो आप उसमें एक कटोरी में पानी रख के भी थाली को रख सकते हैं या फिर स्टैंड डाल करके उसके ऊपर प्लेट को रखें। अब इसके ऊपर हम पत्ते को रख देंगे और ऊपर से एक प्लेट या थाली से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम उबलने देंगे। तो 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे तो पत्ता जो है अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल करके 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे पत्ता बहुत ज़्यादा नरम था, थोड़ा ज़्यादा ही ये उबल गया है। तो आप 5 मिनट के जगह 2 मिनट के बाद ही इसे आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीस में इसे हम कट कर लेंगे। अब इसको फ्राई करें। तो यहाँ पे हम पहले से ही गैस पे कढ़ाई रख दिया था और इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें एक एक करके सभी पत्ते को पकौड़ा जो है हम इसमें डाल देंगे। तो जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे, उसके पहले हम इसको नहीं टच करेंगे। तो एक तरफ से अच्छे से सिक गया है तो अब एक चम्मच से हम इसे उलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे या फिर जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना टेस्टी और स्वादिष्ट अरबी के पत्ते का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के चाय के साथ इसे बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी हैं। तो देखिए कितना देखने में ही कितना टेस्टी और सुंदर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम हरी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, ये खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।